स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से एक बार मैं अपने इस वीडियो पर। ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है आपसे जुड़ी हुई उनके सॉल्यूशंस लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, इन द गिवन फिगर बिलो ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि थ्री फिगर्स है दिया हुआ, ए बी सी के पार्ट में टुकड़ियों में है, और सभी में आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। जस्ट एक्स जो है ये है, इसके आउटसाइड एक्स है और इसके इनसाइड एक्स है। तीनों में जो एक्स है अननोन फिगर, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसके लिए पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी का यूज करके बनाते हैं, और कंस्ट्रक्शन यहाँ से ई से ई एफ कंस्ट्रक्शन, ओ से ओ ई कंस्ट्रक्शन और ई से ई एफ कंस्ट्रक्शन लेते हैं। यानी तीनों में एक समान कंस्ट्रक्शन है, तीनों में तरीका अप्रॉक्सीमेटली एक समान है। अब जब ये एंगल बी ई डी इसमें दो पार्ट में बट गया, तो आप इसको एंगल वन मान लो, इसको एंगल टू। अब इसमें जब रिफ्लेक्स बी ओ डी दो पार्ट में बट गया, तो इधर से ये एंगल वन हो जाएगा, दूसरे साइड टू। इधर से एंगल ए ई सी दो पार्ट में बट गया, तो ये हमने वन मान लिया और ये टू। अब क्या है कि हमने तो ड्रॉ किया है ये ई एफ पैरेलल, ये ओ ई पैरेलल, ये ई एफ पैरेलल, किसी भी ए बी और सी डी में से एक। ए बी सी डी तो ऑलरेडी पैरेलल दिया ही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ कंस्ट्रक्शन की नीड थी, तो यहाँ हमने लिखा ड्रॉ ई एफ, जो किसी एक ए बी सी डी में से एक के पैरेलल ड्रॉ किया, और एज यूजुअल जो है सी डी पैरेलल है तो उसके पैरेलल हो गया। अब यहाँ से हम पैरेलल लाइन एक्सियम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सॉरी पैरेलल लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जिसमें हम ए बी और ई एफ को पैरेलल लेकर के, ए बी और ई एफ पैरेलल, ए बी पैरेलल ई एफ, ट्रांसवर्सल बी हमने लिया, बी ई इज ए ट्रांसवर्सल, इससे हमारा एंगल वन और एंगल ए बी ई, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल बी ई एफ, ओके दैट्स। और ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो चूँकि इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के केस में, ये 35 डिग्री और ये एंगल वन, दैट्स वाई एंगल वन को 35 डिग्री से रिप्रेजेंट करके एंगल सॉरी इक्वेशन वन कंसीडर किया। सिमिलरली सी डी ई एफ पैरेलल है, सिमिलरली सी डी पैरेलल ई एफ और डी ई ट्रांसवर्सल है, डी इज ए ट्रांसवर्सल। इस आधार पर क्या हो जाएगा, एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ, एंगल सी डी ई, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। बट डी ई एफ जो है वह एंगल टू है और सी डी ई जो है वह 65 डिग्री है। अब हमें देखना है कि एक्स, तो एक्स डिग्री को जैसा कि हमने दो पार्ट में बांटा, एंगल वन प्लस एंगल टू, ओके, तो एंगल वन का वैल्यू हमारा आया 35 डिग्री और एंगल टू का 65 डिग्री, जीरो 100 डिग्री आ गया। सो इन क्वेश्चन फर्स्ट जो है एक्स डिग्री के लिए वैल्यू 100 आया। अब इन सेकेंड देखिए क्या है, सेकेंड दैट मीन्स बी के लिए, यहाँ पर हमने ओ ई पैरेलल किया ए बी के, तो ड्रॉ ओ ई पैरेलल
ए बी, और ऑलरेडी ए बी सी डी के पैरेलल है। अब यहाँ से चलेंगे कि ए बी और ओ ई पैरेलल है, दैट मीन्स बी ए पैरेलल ओ ई, और बी ओ को ट्रांसवर्सल बनाया, बी ओ इज ए ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ ई 180 डिग्री, बट यहाँ अल्टरनेट नहीं है, एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बी ओ एक साइड है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये भी एक शॉर्ट ही है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का। अब देखिए ए बी ओ का 55 डिग्री, बी ओ ई का अलग से नामकरण किया एंगल 180 डिग्री, यहाँ एंगल 1 आया 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री तो 125 डिग्री, ये तो एंगल 1 का आया। सिमिलरली डी सी पैरेलल ओ ई, सिमिलरली डी सी पैरेलल ओ ई, बट यहाँ ट्रांसवर्सल ओ डी है, ओ डी इज ए ट्रांसवर्सल, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ ई, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए सी डी ओ जो है 25 डिग्री है, प्लस डी ओ ई को हमने एंगल 2 से रिप्रेजेंट किया 180 डिग्री, तो एंगल 2 आ गया 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री तो 551। अब हमारे पास एक्स डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए जो 1 और 2 के पार्ट में बट गया था, हमारे पास एंगल 1 125 है प्लस 155 है, ये 082, इस तरह से इनके बी पार्ट का वैल्यू 280 डिग्री आया। अब देखिए सी का, सी क्या है, यहाँ से हमने ई एफ पैरेलल खींचा ए बी के, और ए बी खुद तो सी डी के पैरेलल है, ड्रॉ ई एफ पैरेलल ए बी, ए बी खुद पैरेलल है सी डी के, ए बी इट्स आर पैरेलल टू द सी डी। अब देखिए क्या है कि हम ए बी और ई एफ लेकर के एक बार चलेंगे, ए बी पैरेलल ई एफ और ट्रांसवर्सल ए ई यूज करेंगे, ए ई इज ए ट्रांसवर्सल, और इस आधार पर एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ, और ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स, यहाँ बी ए ई है 116 डिग्री, प्लस इसको हमने ए ई एफ को एंगल 1 नामकरण किया, जिससे एंगल 1 आ गया 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, ये हो गया 100 नहीं बल्कि डायरेक्ट 64। सिमिलरली सी डी को ई एफ से पैरेलल किया, सी डी पैरेलल ई एफ, बट नाउ ट्रांसवर्सल है ई सी, ई सी इज ए ट्रांसवर्सल, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, सी ई एफ एंगल सी ई एफ प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ से देखिए सी ई एफ, सी ई एफ एंगल 2 इनका नामकरण किया, ई सी डी 124 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल 2 आ गया 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री 56 डिग्री। अब हमारे को ए सी ए ई सी चाहिए, तो एंगल ए ई सी जो एक्स डिग्री है, और एक्स डिग्री मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 का मतलब हो गया 64 प्लस 56 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। स्टूडेंट्स, सीधे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पर, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, और क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर एम और एन
दिस वन इज एम, दिस वन इज एन. मिरर, प्लेन मिरर, मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एम एंड एन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो दैट द इंसिडेंट रे, सो दैट द इंसिडेंट रे, दिस वन देखिए ये इंसिडेंट हो रहा है सी ए, एंड रिफ्लेक्टेड रे बी डी पैरेलल टू ईच अदर. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू मिरर्स, गिव हैंड टू मिरर्स पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, एम एंड एन आर टू मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर, ओके टू मिरर्स परपेंडिकुलर टू, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, ईच अदर. तो इससे क्या होगा, ये एंगल ओ क्या हो जाएगा 90 डिग्री. अब क्या है कि सी ए इज इंसिडेंट, इंसिडेंट एट ए ऑफ मिरर का नाम है मिरर एन, एंड इट गेट्स फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बी इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन बी डी, एंड वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव ए सी पैरेलल बी डी, ए सी पैरेलल बी डी. अब जरा देखिए कि यहाँ पर तो आपको फिजिक्स का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी ध्यान में लाना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो है आपका पी ए और पी बी, ये नॉर्मल है. प्रूफ, सिंस पी ए एंड पी बी आर नॉर्मल, ये कंस्ट्रक्शन में आप ले लो, दिस आर द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या है, पी ए परपेंडिकुलर एन, पी बी परपेंडिकुलर एम. ओके प्रूफ, तो सिंस पी ए परपेंडिकुलर एन एंड पी बी परपेंडिकुलर एम, देयरफोर क्या हो जाएगा, एंगल पी ए ओ, पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री. अब पी ए पी बी नॉर्मल है, एज पी ए एंड पी बी आर नॉर्मल. ओके नॉर्मल इन रेफरेंस ऑफ मिरर, रेफरेंस ऑफ मिरर, मिरर के टर्म में ये जो है नॉर्मल है. नॉर्मल क्या करता है, तो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या हो जाएगा, ये एंगल वन और एंगल टू इक्वल, थ्री और फोर इक्वल, एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, सिंस आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर, आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब देखिए क्या है कि एंगल सी ए बी और डी बी ए, अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि सी ए पैरेलल बी डी है, बिकॉज एज यू नो सो मेनी पॉइंट्स फ्रॉम विच टू लाइंस, दैट मीन्स ए पेयर ऑफ लाइंस कैन बी मेड पैरेलल. बट यहाँ यूज करेंगे को इंटीरियर एंगल्स के सम 180 डिग्री. तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, और पहले तो बताते हैं आपको कि एंगल पी को क्यों 90 डिग्री होना है. देखिए ये पी ए ओ, अभी चलिए तो पी ए ओ बी में, ओके इन क्वाड्रिलैटरल पी ए ओ बी, पी ए ओ बी जिसके थ्री एंगल्स जो है 90-90 है, तो फोर्थ भी 90 होगा. यहाँ ये एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस ये जो आप देख रहे हो पी ए ओ प्लस ये जो देख रहे हो पी बी ओ,
सभी मिला के सम जो है ना फोर एंगल्स का क्वाड्रिलैटरल में 360, तो एंगल पी तो 90 एंगल पी को तो आप एज यूजुअल लिखो, एंगल ओ को 90 डिग्री, पी ओ को भी 90, पी ओ कहीं 90 मैंने दिया है ये रहा, और पी बी ओ 90, 360, यहाँ से आपका जो संभावना है कि 90 90 90 270, तो एंगल पी आ गया हमारा 360 में से 270 माइनस होकर के 90, चलिए तो ये हमारा पी आ गया। अब इस आधार पर देखिए कि क्या है कि एंगल इन ट्रेंगल पी ए बी में, चलिए इन ट्रेंगल पी ए बी, तो क्या है एंगल पी प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, एंगल पी प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री 180 डिग्री, कहाँ से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल, हमने एक जगह यूज किया है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल भी, बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, जैसा कि आप पढ़े हुए हैं कि क्वाड्रिलैटरल के फोर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, ट्रेंगल के जो है थ्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास में पी जो है वह पी आया हुआ है 90, तो पी यहाँ 90 यूज़ करेगा, प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से 90 उधर चला जाएगा, तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री 180 और माइनस 90, तो यह 90 आ गया। अब देखिए एंगल टू प्लस एंगल थ्री 90, हमने क्या किया कि दोनों साइड जो है ना, दोनों साइड आप टू से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो आप देख रहे हो एंगल टू प्लस एंगल थ्री 90, इनको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टू, हमने बोला कि इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो दैट मीन्स कि ये देखिए टू ऑफ एंगल टू हो जाएगा प्लस टू ऑफ एंगल थ्री, और टू ऑफ 90 मतलब क्या 180, तो टू ऑफ एंगल टू, टू ऑफ एंगल थ्री इज इक्वल टू टू ऑफ 90 मतलब 180। अब टू ऑफ एंगल टू को आप एंगल टू प्लस एंगल टू लिख दो, टू ऑफ थ्री को एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री लिख दो, ये आ जाएगा 180। अब जरा देखो वन और टू इक्वल है, मैंने यहाँ बताया है आपको, और थ्री फोर इक्वल है, तो आप क्या करो एक टू को बदल के एंगल वन कर दो और एक थ्री को बदल के एंगल फोर कर दो, और यहाँ लिख दो भी कि एंगल हमने बताया टू को आप वन मानो मान सकते हो और एंगल फोर को आप एंगल थ्री मान सकते हो, चेंज इट नीड्स चेंज, विदाउट चेंज पॉसिबल नेवर। तो एंगल वन प्लस एंगल टू को आप मिला दोगे सी ए बी आ जाएगा, और एंगल थ्री प्लस एंगल फोर को मिला दोगे डी बी ए आ जाएगा, बिकॉज इट डिमांड्स इट नीड्स एंड वेयर नीड्स जस्ट आई मस्ट गिव आई शुड गिव, तो हमने यहां दिया। अब यहां सी ए बी डी बी ए, सी ए बी डी बी ए, तो आप देखिए कि जैसे पटना जाने के लिए तो आप दो रास्ते तीन रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ यू नो, इफ़ यू डोंट नो देन आप जा ही नहीं सकते। तो आप पैरेलल लाइन जो है ना, दो लाइन को प्रूव करने के लिए आप तरीका बदल सकते हैं, आप कभी उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है उसको इक्वल दिखा करके आप उसको पैरेलल बना, आप कभी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा करके और उसको बना दीजिए पैरेलल, बट यहाँ हमने एक तीसरा ही चूज कर लिया कि ये है कि एंगल्स ऑन द सेम, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो दिखा दिया हमने। तो दिज आर देखिए सी ए बी, सी ए बी डी बी ए, दिज आर को इंटीरियर एंगल्स, आप कहो शॉर्ट फॉर्म में दिज आर को इंटीरियर एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री, एंड सप्लीमेंट्री
चलिए ज़्यादा क्या लिखने का, तो सी ए और डी बी पैरेलल हो गया, दैट्स वाई सी ए पैरेलल डी बी। तो हम ज़रूरत के हिसाब से इसको तैयार किया। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ एक फिगर आपके सामने में दिख रहा है, कहता है इन द गिवन फिगर, दिख रहा है ए बी सी डी, ये तो सी डी ये तो ए बी, ये आपस में कहता है पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहता है इस एक्स का वैल्यू फाइंड करो। तो क्या है कि पैरेलल, फिर से पैरेलल लाइन के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे, इस क्यू से, क्यू एक वर्टेक्स बन रहा है और यहाँ से ए बी सी डी के पैरेलल एक ड्रॉ करेंगे लाइन, सेगमेंट और लाइन जो भी कहिए, ये रहा। अब अगर ये क्यू है तो हमने एक पी और आर नाम का एक लाइन ड्रॉ कर दिया, हमारे पास में दो एंगल तो हैं, जैसा कि देख रहे हो आप क्यू एफ ई, जैसा कि देख रहे हो ए एच, और कुछ इसको बढ़ाते हुए आप, ये 100 है तो इसको आप तो 100 वर्टिकली अपोजिट एंगल से यूज कर सकते हो। एंड क्या है कि जब ये और ये पैरेलल है तो आप, ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, अभी है नहीं, इसको दिखाना भी नहीं है, और ये 40 है, तो देखिए आप देखिए अल्टरनेट से ये 40 हो जाएगा और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो 40 प्लस एक्स प्लस ये 100 जैसा कि बताया, तो 140, तो आपका ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। चलिए तो अब यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने लिखा ड्रॉ, ओके पी आर पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी थ्रू क्यू थ्रू वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स क्यू से होते हुए जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और पी आर पैरेलल लेते हैं, नाउ पी आर और ए बी पैरेलल है, पी आर पैरेलल ए बी, और यह हमने ट्रांसवर्सल लिया क्यू एच, क्यू एच इज ए ट्रांसवर्सल, ओके दिस वन 100 डिग्री, ओके एंड क्यू एच, ओके क्यू एच इज ए ट्रांसवर्सल, क्यू एच इज ए ट्रांसवर्सल, इज ए ट्रांसवर्सल, तो आपका आर क्यू एच और हो जाएगा क्यू और एच बी, दिस वन आप देख सकते हैं, ओके आर क्यू एच, आर क्यू एच इज इक्वल टू एंगल क्यू और एच बी, एंगल क्यू एच बी, क्यू एच बी क्या है 180 डिग्री, सिंस क्यू एच बी इज इक्वल टू 100 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके दैट्स वाई क्या हो जाएगा क्यू एच बी आप जो है 100 डिग्री और आर क्यू एच, तो आर क्यू एच भी आ गया हमारा क्या, आर क्यू एच हो गया 100 डिग्री, ओके या आप ये करस्पॉन्डिंग एंगल से भी कर सकते थे, बट ये क्या है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आर क्यू एच और क्यू एच बी, आर क्यू एच और क्यू एच बी ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ ले लो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर और एंगल्स। अब यहाँ पर आप लो कि सिंस क्यू एच बी, क्यू एच बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये हुआ आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ऐसा है, तो आर क्यू एच आपका आ गया, आर क्यू एच आ गया 100 डिग्री। अब देखिए पी आर और सी डी पैरेलल, नाउ पी आर पैरेलल सी डी, पी आर पैरेलल सी डी और इसका ट्रांसवर्सल क्यू ए है, क्यू ई इज ट्रांसवर्सल,
यहाँ से आएगा पी क्यू ई, पी क्यू ई एंगल इक्वल टू एंगल क्यू ई एफ, क्यू ई एफ, ये दोनों हो गया 40 डिग्री। ये कौन सा एंगल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ से देखिए, पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज ए स्ट्रेट एंगल, ए स्ट्रेट एंगल, दैट इज पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जितने भी एंगल बना पी क्यू ई, एंगल पी क्यू ई, इसका सम जो है, ये जो है तीन एंगल का सम है, एक पी क्यू ई, एक क्यू ई एफ, प्लस एंगल आर क्यू एफ, आर क्यू एफ या क्यू ई एफ, सॉरी आर क्यू एफ, आर क्यू एच भी कह सकते हो, आर क्यू एफ, आर क्यू एफ, आर क्यू एफ, ये 180 डिग्री। अब यहाँ से पी क्यू ई कितना है? पी क्यू ई 40 डिग्री और क्यू ई एफ x डिग्री और आर क्यू एफ और आर क्यू एच, एक ही है, आर क्यू एच कहो या आर क्यू एफ कहो, ये 100 डिग्री 180 डिग्री। तो x डिग्री के लिए आ गया 180 डिग्री माइनस इधर 100 और 40 का सम 140, दैट मीन्स क्या हो गया, दैट इज जो है x डिग्री का वैल्यू आ गया 140 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, टू लाइंस आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर्स टू द टू पैरेलल लाइंस, प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी परपेंडिकुलर लाइंस भी क्या होगा, पैरेलल होगा आपस में। आप दो, सबसे पहले परपेंडिकुलर लो दो पैरेलल लाइंस पर, दिस वन आपका हो गया ए बी, दिस वन पैरेलल टू ए बी दैट इज सी डी, दिस वन इज लाइन आउट ऑफ टू, वन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस वन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन सी डी, ओके। ओके, तो ए बी को हमने माना, सॉरी एल को माना ए बी पर परपेंडिकुलर, और एल को माना ए बी पर परपेंडिकुलर, एम को माना सी डी पर परपेंडिकुलर। हमें दिखाना है कि एल और एम पैरेलल है। तो चलिए, गिवन पहले तो लिखना ही है, गिवन में क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, और साथ में है टू लाइंस अनदर लाइंस, टू अनदर लाइंस जिसका नाम है एल एम आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। एक ए बी पर है तो दूसरा सी डी पर है। टू प्रूव एल पैरेलल एम, अब जरा देखिए, एल पैरेलल परपेंडिकुलर ए बी है, एल परपेंडिकुलर ए बी, तो यहां से इसको एंगल वन मानो, एंगल वन को 90 डिग्री। अब है ए बी पैरेलल, यहाँ मान लीजिए 2 और इसको 3, ए बी पैरेलल सी डी है, नाउ ए बी पैरेलल सी डी, एल यहाँ ट्रांसवर्सल के रोल में है, एल इज ए ट्रांसवर्सल, तो 2 और 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट 190, एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री एज एंगल 1 इक्वल टू 90, दिस इज 1। अब देखिए कि
एम जो है वह सी डी पर परपेंडिकुलर है दिया है, ऑल्सो एम परपेंडिकुलर सी डी ये गिवेन है। इस आधार पर क्या हो जाएगा एंगल 3 90 डिग्री। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 टू और थ्री इक्वल हो गया, 2 equal to angle 3। ये दोनों हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बट मेड बाय एल एंड एम ट्रांसवर्सल सी डी। ओके दीज आर corresponding angles made by transversal, यहाँ कौन सा है जो transversal के role में है, CD on line L and M, CD on lines L and M, That's why क्या हो जाएगा L therefore L parallel M. So students just I have proved and 4 questions in this video I have completed and I think this is enough in one video and this will make you improvement if you so and clarification is available. Thanks for watching. Dhanyawad. Have a nice day.